हे एवरीवन, दिस इज सी नेहा गुप्ता। वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। आई होप आप सब लोगों ने अभी तक सारी रिटर्न्स खत्म कर ली होगी, बिकॉज 31 जुलाई तो अब जा चुकी है। तो अब जो भी आपको रिटर्न फाइल करनी होगी वो फाइल करनी होगी विद द लेट फीस, अगर एप्लीकेबल है तो। हो सकता है आप लोग थोड़े से डाउटफुल हो रहे होंगे कि आज फॉर्मल टाइप के कपड़े क्यों नहीं है। रीज़न बीइंग, जिस दिन मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ उस दिन है शिवरात्रि। महाशिवरात्रि इंडिया एक बहुत अच्छा एक फेस्टिवल्स का देश माना जाता है, जहाँ पे एन नंबर ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेट करे जाते हैं, तो उसमें से एक महाशिवरात्रि है। तो हो सकता है आप लोग उसको मे बी अगले दिन या दिवाली वाले दिन देख रहे हो, बट रिकॉर्डिंग हम लोगों ने महाशिवरात्रि वाले दिन करी है, तो इसलिए हैप्पी महाशिवरात्रि। सो आज की रिटर्न में हम लोग कवर करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि जो रिटर्न आप लोगों ने फाइल करी बट वो डिफेक्टिव हो गई, तो अब आपको क्या करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा रिटर्न्स डिफेक्टिव हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, हमें मोटिवेशन मिलता रहे और काम करने का। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिफेक्टिव रिटर्न के बारे में, कि डिफेक्टिव नोटिस आने के बाद आपको क्या करना है। इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस में डिफेक्टिव रिटर्न्स क्यों होती है पहले कवर किया हुआ है। आज बात करने जा रही हूँ कि आपको करना क्या है जब नोटिस मिलता है। तो सबसे पहले तो आपको एक ईमेल आया डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस का, जो कुछ ऐसा दिखेगा। इसके बाद अब आपको आगे के स्टेप फॉलो करने हैं, जो हम लोग समझेंगे स्क्रीन के थ्रू। चलिए हम लोग चलते अपनी स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल ओपन कर लेना है, इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है राइट साइड पे, देन आपको डालना है यूजर आईडी एंड पासवर्ड। सो यूजर आईडी मैं बोल नहीं रही हूँ, देन आपको टिक करना है, देन पासवर्ड आपको टाइप करना है। आई पे क्लिक करके आप पासवर्ड देख भी सकते हैं। देन लॉगिन हो गया है। लॉगिन होने के बाद आपको जाना है पेंडिंग एक्शन पे, पेंडिंग एक्शन पे आपको जाना है ई प्रोसीडिंग पे। ई प्रोसीडिंग के बाद आप देख सकते हैं डिफेक्टिव रिटर्न, डिफेक्टिव नोटिस यहाँ पे आपको शो कर रहा है। आपको क्लिक करना है व्यू नोटिस ऑर्डर पे, नोटिस लेटर पे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको नोटिस रिसीव हुआ हुआ है। उसके बाद आपको जाना है सबमिट रिस्पॉन्स पे। यहाँ से वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। सबमिट रिस्पॉन्स से पहले तो आप एरर डिस्क्रिप्शन पढ़ ले। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे एरर डिस्क्रिप्शन है कुछ इस तरीके का। द ग्रॉस रिसिप्ट शोन इनफॉर्म 26 AS ऑन विच क्रेडिट फॉर TDS हैज बीन क्लेम्ड आर हायर देन द टोटल ऑफ द रिसिप्ट शोन अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम इन द रिटर्न ऑफ इनकम दस दिस दिस दिस। सो इट मीन्स 26 AS में जितनी भी ग्रॉस रिसिप्ट आई जिसके अगेंस्ट TDS डिडक्ट हुआ, उतनी ग्रॉस रिसिप्ट ITR में नहीं रिपोर्ट हुई। TDS तो पूरा क्लेम किया गया बट ग्रॉस रिसिप्ट को कम कर दिया गया, तो इसलिए रिटर्न होगी डिफेक्टिव। अब देखिए डिफेक्टिव के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ये तो था एक रीज़न। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपके पास क्रिप्टो थी पर आपने ITR 1 भर दी। आपके पास स्टॉक मार्केट से कुछ इनकम थी, आपने स्टॉक सेल करे थे, आपने ITR 1 भर दी, तो यानी कि गलत ITR फॉर्म भरने पे भी आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो सकती है। सो ऐसे सारे रीजंस को आपको चेक करना है कि रिटर्न डिफेक्टिव क्यों हुई है। तो अब काफ़ी बार हो सकता है कि आपकी रिटर्न डिपार्टमेंट ने बाय मिस्टेकली डिफेक्टिव कर दी जबकि आपकी रिटर्न सही थी, तो आपको डिसअग्री पे क्लिक करना है, अपने रिस्पॉन्स रीज़न लिखना है कि क्यों है और सबमिट कर देना है। और एक और ऑप्शन कि जब आप अपने रिटर्न ठीक करके यानी कि रिवाइज करके फाइल कर रहे हैं तब भी आप यहाँ पे जाके डिसअग्री करके और लिख सकते हैं कि रिटर्न रिवाइज रिटर्न इज ऑलरेडी फाइल्ड। नाउ अब हम लोग बात करते हैं, वापस आते हैं हम अपने स्क्रीन पे व्यू नोटिस ऑर्डर में जाके सबमिट रिस्पॉन्स में। हाँ जी, तो इसके बाद अब अगर हम अग्री करते हैं डिफेक्ट जो डिपार्टमेंट ने निकाला है वो बिल्कुल सही है, तो आपको क्लिक करना है अग्री पे। मोड ऑफ रिस्पॉन्स आपको चूज़ करना है ऑफलाइन यूटिलिटी, यानी कि आपकी यूटिलिटी, आप यूटिलिटी यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए डाउनलोड डिफेक्टिव रिटर्न की यूटिलिटी आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये आपको आप ये डाउनलोड भी कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट। देखिए आपको यहाँ पे डाउनलोड डिफेक्टिव रिटर्न की यूटिलिटी दिख रही होगी डाउनलोड, आप यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप उसको फिल करेंगे, दोबारा अपलोड करेंगे,
यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आप कौन सा आईटीआर फॉर्म भरने जा रहे हैं। लेट्स से आपको आईटीआर 2 भरना है तो अटैच कर देंगे अपनी जेसन फाइल को और रिस्पॉन्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर सबमिशन में क्लिक करके सबमिट कर देंगे। तो ये तो था एक तरीका जिसके थ्रू आप डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस का रिप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपके पास है, आप अपनी रिटर्न रिवाइज कर दीजिए, इससे आपको लेट फीस भी नहीं लगेगी। सेफेस्ट तरीका है, ये भी सेफ है, लेट फीस नहीं लगेगी, बट वहीं अगर आप न्यू रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको लेट फीस लग जाएगी। प्लस एक चीज़ और ध्यान रखिए आप कि इसकी टाइमलाइन होती है नोटिस पे, यूजली आप ऊपर देख सकते हैं 15 दिन मिलते हैं। मैं इसमें ड्यू डेट आपको अपने नोटिस में भी दिखा देती हूँ यहाँ पर क्या है। यहाँ पे देखेंगे आपको कम्युनिकेशन डेट 28 जुलाई और रिस्पांस ड्यू डेट 12 अगस्त दिख रही होगी। तो इसके बाद अगर आप लोगों ने रिप्लाई फाइल करने की कोशिश करी तो ध्यान रखिए सबसे पहले तो लेट फीस देनी पड़ेगी, दूसरी चीज़ न्यू रिजीम में रहना पड़ेगा, ओल्ड रिजीम नहीं चूज़ कर पाएंगे, तीसरी चीज़ लॉस होगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, बहुत सारे नुकसान है। तो इसलिए टाइम रहते अपने रिटर्न को ठीक कर लीजिए। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, नंबर है 8375831676, या फिर हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली हमें लिख भी सकते हैं। मेरी वेबसाइट है cnehagupta.com। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, काफ़ी मेहनत करके हमने काफ़ी एक्यूरेट तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करी है कि डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस मिलने पे आपको घबराना नहीं है, आपको सिंपल से स्टेप फॉलो कर लेने, आपकी रिटर्न ठीक हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। एंड अगर फिर भी डर है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।